यूं तो दुनिया में कई शायर, कवि या गीतकार हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिनका लिखा हर किसी की जुबां पर आसानी से चढ़ सके। और कुछ एक इस तरह के शायर और गीतकार रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और उर्दू के सबसे बड़े शायरों में एक मजरूह सुल्तानपुरी की आज पुण्यतिथि है। पेश है कीर्तिशेष में हमारी खास रिपोर्ट। पेशे से हकीम, हरफों के जादूगर मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। मजरूह सुल्तानपुरी शुरुआती दिनों में पेशे से हकीम थे और लोगों की नब्ज देखकर दवाई देते थे। शायद इसलिए गरीब और मजबूरों का दर्द उनकी सांसों में धड़कता था। मजरूह ने दरसे निजामी का कोर्स किया, जिसके बाद वे लखनऊ में ही हकीम का काम करने लगे। लेकिन उन्हें यह काम रास नहीं आया, क्योंकि बचपन से उनकी दिलचस्पी शेरो शायरी में थी। जब भी मौका मिलता वह मुशायरों में शिरकत करते। मजरूह की कलम की स्याही नज्मों और गजलों के रूप में जब जब लोगों तक पहुंची, तो उर्दू शायरी को नई ऊंचाइयां तो मिली ही, साथ ही उन्होंने रोमानियत को भी नया रंग और ताजगी दी। कहते हैं कि फिल्मों में गीत लिखने के लिए मजरूह को जिगर मुरादाबादी ने बड़ी मुश्किल से तैयार किया था। किस्सा 1945 का है, जब मजरूह एक मुशायरे में शिरकत करने मुंबई गए। यहां उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता A.R. कारदार से हुई। कारदार उनकी शायरी पर फिदा थे। उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी से अपनी फिल्म में गीत लिखने की पेशकश की, लेकिन मजरूह ने इससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब उनके उस्ताद जिगर मुरादाबादी ने समझाया तो वे राजी हो गए। और इस तरह कारदार की फिल्म शाहजहां के लिए उन्होंने जब दिल ही टूट गया जैसे कई बेशकीमती गीत लिखे, जिसे आवाज दी उस वक्त के सबसे बड़े प्रसिद्ध गायक KL सहगल ने। शानदार नज्मों के रचनाकार मजरूह साहब ने हिंदी फिल्मों के लिए कई बेशकीमती गीत लिखे। संगीतकार नौशाद और फिल्म निर्देशक नासिर हुसैन के साथ उनकी जोड़ी कमाल बरपाती रही। मजरूह सुल्तानपुरी ने नौशाद, आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। मजरूह साहब के लिखे गीतों को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी आवाज दी। ये वे दौर था जब मजरूह साहब के लिखे गीत सलामे इश्क मेरी जान को लता मंगेशकर ने गाया है। इसी बीच फिल्म दोस्ती के गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। वे यह पुरस्कार पाने वाले पहले गीतकार थे। मजरूह के बोल फिल्म गीत के जरिए जितना लोगों के मन को छू रहे थे, उनकी क्रांतिकारी अल्फाज भी उतनी ही सुर्खियां बटोर रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी ने लगभग 4 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। उम्र के आखिरी पड़ाव तक उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों के लिए 4000 से ज्यादा गाने लिख दिए। और इसी बीच 24 मई 2000 को वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। भले ही मजरूह साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें उतने ही प्रेम से सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।